नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम लेखराज पटेल, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले गाँव कुमटी का निवासी हूँ। तो किसान भाइयों, स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल लक्की बाबा इन्फोटेक पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपके लिए ऑनियन सीरीज का पार्ट 6 लेके आया हूँ। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम बात करने वाले हैं, जैसे कि प्याज में जो एग्जॉस्ट फैन है वह कब चलाने हैं, और प्याज का मतलब जो तापमान है वो क्या रखना है, और कितने हेलोजन और कितना क्या लगाना है। तो किसान भाई, पहले टॉपिक की बात करें तो वह आ जाता है एग्जॉस्ट फैन को कितने टाइम चलाना है। हमारे पास किसान भाइयों, ये एग्जॉस्ट फैन है, क्राउंटन के एग्जॉस्ट फैन है, 18 इंची वाले। ऐसे हमने एग्जॉस्ट फैन 4 लगा रखे हैं। 4 एग्जॉस्ट फैन में हम मतलब 4 एग्जॉस्ट फैन को हम लगभग 12 घंटे चलाते हैं। 12 घंटे मतलब 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में हम हमारे एग्जॉस्ट फैन को चलाते हैं। उससे मतलब जो हमें आपको प्याज को जो कम एग्जॉस्ट फैन है उसमें कम चलाना है, जिससे आपकी जो प्याज है वो उनकी सुकत नहीं आएगी। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं यह एग्जॉस्ट फैन अभी चालू हो चुके हैं, हमारे एग्जॉस्ट फैन चालू हो चुके हैं अभी। तो जो इनकी यहाँ पर हम हाथ डाल के देखते हैं तो यहाँ पर हवा भी बहुत ही अच्छी तरह से हवा आती है एग्जॉस्ट फैन की। किसान भाई, तो किसान भाई आप देख ही रहे होंगे कि हमने आसपास से हमारे प्याज के गोडाउन को पैक कर दिया है तिरपाल की मदद से। किसान भाइयों, यह हमने इसलिए किया है कि प्याज में जो गर्मी है वह गर्मी मतलब प्याज में गर्मी बरकरार रहे, तो इसलिए आप चारों साइड से आपके प्याज को पैक कर दें। और ये जो आपकी छोटी छोटी खिड़की लग रही है इनमें इसमें हमें एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगाना है, इसलिए हमने इसको खुली रखी है। तो किसान भाइयों, इसे आप पैक कर देंगे तो आपका जो ये तापमान है वो अच्छा रहेगा। आप भी और किसान भाइयों, अगले टॉपिक की बात करें तो वह आ जाता है प्याज में गर्मी कैसे दें। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हेलोजन बल्ब आता है आप उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें आपके प्याज में। मैं आपको दिखाता हूँ हेलोजन बल्ब कैसे होते हैं। आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपके प्याज का जो कलर है वो डाउन हो जाएगा। तो किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार से जो पीले पीले बल्ब है इसे हेलोजन बल्ब कहते हैं। आप इसको आपके प्याज में ज़रूर ना लगाएं, भले ये गर्मी दे पर आपको इसे नहीं लगाना है। इसे जो आपका जो प्याज का जो कलर है जो चॉकलेटी कलर हो जाता है, आपका प्याज का कलर जो बहुत ही गिर जाता है। और किसान भाइयों, आप उसकी जगह पर कुछ और का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कोई रूम हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। और रूम हीटर आपके पास अवेलेबल ना हो तो मैं आपको सस्ता सा एक देसी जुगाड़ बताता हूँ। जो सिगड़ी की स्प्रिंग आती है जो गाँव के लोग उसे यूज़ करते हैं, उस वो जो 20 से 40 रुपए की आती है एक स्प्रिंग आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वह बहुत ही गर्मी देती है प्याज में। हमने वही लगाई है, हमने उससे लगभग 3 लगाई है। 2 1500 वाट की हमने 2 हीटिंग एलिमेंट लगाए हैं, और 2 हमने मतलब एक हमने 2000 वाट के लगाते हैं। तो आप उसकी एक छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। फिलहाल में अभी तो वह बंद है, तो मैं आपको वह क्लिप दिखाता हूँ। तो किसान भाई देख सकते हैं यह हीटिंग एलिमेंट है, ये सिगड़ी की स्प्रिंग जो गाँव में जो यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, इसका हमने इसमें प्रयोग किया है। हमने 2 इसमें 1500 वाट की 2 लगाई है, और 1 2000 वाट की हमने इसमें स्प्रिंग लगाई है। हमने इसे कुछ इस लाइन में कनेक्ट कर दिया है, मतलब ये दोनों करंट से चलता है, और अर्थिंग का प्रयोग हमने इसमें नहीं किया है। तो किसान भाइयों, आप इसे बच्चों से दूर रखें और आप भी इससे दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है और इससे आपको करंट भी ये मार सकता है। तो किसान भाइयों, आप इससे दूर रहें, और ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा करता है। किसान भाइयों, हमने हमारे 4 एग्जॉस्ट फैन में केवल हमने इसमें 3 ही लगाई है, और 3 ही में हमारे प्याज में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आप लगभग 4 भी लगा सकते हैं, 4 से ज़्यादा आप ना लगाएं। और किसान भाइयों, मैं आपको ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसको चलाने का टाइम भी दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, 10 से 12 दिन तक आपको लगभग ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसे 24 घंटे चलाना है, और 24 घंटे 10 से 12 दिन के बाद आपको इससे 12 घंटे जो एग्जॉस्ट फैन की जो वायर है उसमें कनेक्ट कर देना है। और किसान भाइयों, ये जो आपको 2 एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं इनके बीच में आपको एक सिगरेट की स्प्रिंग मतलब एक हीटिंग एलिमेंट आपको इसके बीच में लगाना है। मतलब इससे जो दोनों एग्जॉस्ट फैन है वो इसकी गर्म हवा खींच कर प्याज के अंदर भेज देंगे। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों अगले टॉपिक की बात करें तो वह आ जाता है प्याज में फिनाइल की गोली का प्रयोग कब और किस समय करें। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं हमने ये जो प्याज का गोडाउन है इसी आसपास से हमने पैक कर दिया है, तो आप इससे फिनाइल की गोली का आप प्रयोग करें तो आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक फिनाइल की गोली
15 से 20 दिन में फिनाइल की गोली का प्रयोग ज़रूर करें। 3 से 4 फिनाइल की गोली आप एक कोठी में डाल दें। हमारे पास 4 कोठी है तो हम इसमें 3 से 4 गोली 15 से 20 दिन के अंतर्गत में डाल देते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों यह था प्याज का कुछ छोटा सा स्टोरेज। तो किसान भाइयों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लक्की बाबा इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों कुछ जानकारी मेरे मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, जय जवान जय किसान।